मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया। शनिवार को देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समिट के लोगो और वेबसाइट को लॉन्च करते हुए कहा कि इस बार इन्वेस्टर समिट में 2,50,000 करोड़ रुपयों का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में सुधार किया है और नई नीतियाँ भी लागू की है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए 27 नीतियां प्रख्यापित की गई हैं। राज्य में 6,000 एकड़ का लैंड बैंक भी तैयार किया गया है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देहरादून में दिसंबर में होने जा रहा है और राज्य सरकार इसकी तैयारी में है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लोगो और वेबसाइट के लिए के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग जगत और प्रमुख औद्योगिक संगठनों से लगातार संपर्क में है। इसी क्रम में 17 अगस्त को देहरादून में और 21 अगस्त को दिल्ली में प्रमुख उद्योगपति से संवाद किया जाएगा। साथ ही उसी आधार पर एमएसएम नीति, सेवा क्षेत्र नीति, लॉजिस्टिक नीति और सोलर नीति आदि में भी सुधार किया जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने कहा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लोगो में उत्तराखंड की विशिष्टताओं को प्रदर्शित किया गया है। पहले लोग यहां शांति के लिए आते थे, अब पर्यटन और निवेश के लिए आएंगे। प्रदेश सरकार राज्य के नागरिकों को क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार करने का प्रयास कर रही है। कृषि और हॉर्टिकल्चर को प्रमुखता दी जा रही है। प्रदेश की जीडीपी में 40% योगदान देने वाला सेवा क्षेत्र के लिए भी नई नीतियां बनाई जा रही है। इस समिट की टैगलाइन पीस टू प्रॉपर्टी भी रखी गई है। देहरादून से संवाददाता विनोद भंडारी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2023 की, उसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च हो गई है और ये लगातार आज हमारा विधिवत रूप से अब जो काम है औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया है और अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग, हमने 25,000 करोड़ का जो लक्ष्य लिया था उसमें हो गई है और बहुत सारे उद्योग समूह, देश के बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर हमारे लगातार संपर्क में हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं और 6,000 एकड़ लैंड बैंक इसमें अभी तक बनाया जा चुका है। बहुत सारे जो ऐसे कानून थे, नियम थे, जिनके कारण से उद्योगों में कुछ रुकावटें आ रही थी या समस्या पैदा होती थी, उन सभी को भी हमने हटाया है, उन सबको समाप्त किया है और जो नए प्रावधान हैं, नए प्रावधान, नए नीति हम लेकर आए हैं। 27 नई नीतियां भी हमने इसमें प्रख्यापित की हैं और उत्तराखंड लोगों के लिए एक इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक शानदार डेस्टिनेशन बन रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति हो या यहाँ का माहौल हो या यहाँ की यहाँ का पर्यावरण हो, हर दृष्टि से लोगों के लिए उनको सूट करता है। हर प्रकार से एक अच्छा वातावरण इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में है और हमारा प्रयास है कि इस बार एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का समूह उत्तराखंड के अंदर आए। अगले कुछ दिनों में आप मिलेंगे।